गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है कुंती ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं बच्चों को अभी उठाकर ब्रश करने के लिए बोली हूँ, तो मैं कपड़ा वपड़ा यहाँ रख रही हूँ। और मुझे आज कुछ खास पूजा करनी है। मैं अपने कमरे का ऐसे कपड़ा वपड़ा रख देती हूँ और झाड़ू रोज़ लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि कमरे में हमारा कचरा ही नहीं होता है। तो मैं कभी खास पूजा करती हूँ तो उस दिन कचरा हो या ना हो मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और सोकर उठने से तो बिस्तर इधर उधर हो ही जाते हैं, तो वो तो डेली ठीक करना पड़ता है। और ये हमारा छोटा सा घर है तो इतना ही झाड़ू लगाने को बनता है। और मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब मैं तकिया इधर उधर है उसे भी ठीक कर दूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। और देखिए बच्चे लोग उठते हैं तो ऑल आउट भी ऑफ नहीं करते, तो ये भी जल रही है। और मैं आज ये खास है कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो मैं इनके लिए पूजा करूंगी। वैसे पूजा तो रोज़ ही करती हूँ, पर कभी कभी खास दिन भी होता है कि हम पूजा करना चाहते हैं और पूजा करें। और मैं भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ हमेशा कि मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए और मेरी सारी खुशियाँ मेरे बच्चों को मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और हर किसी का भी यही प्रार्थना होता है कि हमारे परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हम सब साथ रहें। और मैं तो चाहती हूँ कि जो भी भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करे उन सब का मनोकामना पूरी हो। और मैं शादी के लिए पहले बहुत उपवास करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे अच्छे पति मिले या फिर और कुछ सोचकर। मैंने हमेशा भगवान से मांगा कि आप जो भी दोगे अच्छे ही होगा, यही मन्नत मांगी थी। मैंने बहुत सारे उपवास किए थे, मैंने कभी भी कुछ भी उपवास में मैंने कुछ मन्नत में नहीं मांगी थी। और मुझे बिना मन्नत मांगे ही मुझे इतना अच्छा मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी इनसे शादी हुई तो उस टाइम इधर उधर की समझ भी हमें ज़्यादा नहीं थी। मेरी तो 18 वर्ष में ही शादी हो चुकी थी और इनका 20 वर्ष हो रहा था। और बड़ी धूमधाम से घर वालों ने शादी की। और हर किसी के ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और इन्होंने मुझे हर सुख में हर दुख में मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ ही खड़े रहे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ये मेरे ज़िंदगी में आए और हम दोनों बहुत खुशनसीब हैं जो हमारे हर खुशी बनकर हमारे ये दोनों बेटे हमारे ज़िंदगी में आए, हमेशा ये दोनों खुश रहें। अब मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी करूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने एकदम सुबह उठकर ये चावल भिगो दिए थे और ये अच्छे से भीग चुकी है, तो मैं इसे अब मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी और इसे मैं चीला बनाऊँगी। तो इसका सारा पानी निकाल दिया है मैंने और इसे फेंक दूँगी। और देखिए मैंने जार में सारा चावल डाल दिया है। इसमें कभी कभी मैं उड़ीद भी डाल देती हूँ और चने दाल भी डाल लेती हूँ, तो वैसे डालने से बच्चे अच्छे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे सादे चावल की ही बनाती हूँ ज़्यादातर।
और ये ज़्यादा पतला भी बनता है और कुछ डाल देने से ज़्यादा पतला नहीं बन पाता और बच्चे तो ज़्यादा पतला ही पसंद करते हैं और ये हर बच्चे का पसंद होता है तो उन्हीं के हिसाब से पतला पतला बनाना पड़ता है। और इसमें मैं गरम पानी डालूंगी और गरम पानी अच्छी खौली हुई हो तो मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया है और मैंने इसे अलग से बर्तन में रख दिए हैं। और देखिए मैं जार को थोड़ा सा धो लूँगी और इतने में मेरी पानी उबल जाएगा और यहाँ देखिए मेरा पानी उबल रहा है तो मैं इसमें एक साथ ही नहीं डालना है, इसे हल्के हल्के धीरे से डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा डाल दिया तो मेरा मुझे ज़्यादा गर्म लगा तो मैंने जार में जो पानी था उसे डाल दी हूँ और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी ताकि ये ज़्यादा ढीला ना हो या फिर ज़्यादा गर्म जैसे ना हो। तो अब मैं देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं अभी स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और इसमें थोड़ी नमक कम हो तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा नमक ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये ऐसी तवा हो तो उसमें बहुत अच्छी पलट जाती है। ये देखिए मैंने अपना तवा गरम कर लिया है और इसमें मैं जब चीला बनाती हूँ तो उसके लिए मैं पहले से कपड़े को थोड़ी सी टुकड़ा करके वायर के साथ ऐड कर दी हूँ और उसे प्लास से चिपक दी हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने चम्मच में एक ही चम्मच डाला है और इसे ढक दूंगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक या डेढ़ मिनट तक इसे ढके रहने दूंगी और उतने में अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पलटने जैसी हो गई है और इसे देखिए इस तरह से पलटा देंगे। ये मेरी बहुत ही पतली बनी है जो बहुत अच्छी लगती है और ऐसे ही करके मैं अपने सारे आटे को बना लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा बन रहा है और इसमें गर्म पानी डालना ही पड़ता है और गर्म पानी ना डालो तो ये बनती ही नहीं है। और इसी तरह से मैं अपने सारे आटे को एक एक करके बनाती ही रहूँगी और मैं एक ही चम्मच डालती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा पतला बनता है। और इसको टमाटर चटनी के साथ खाओ या फिर किसी भी चीज़ के साथ खाओ तो ये अच्छी लगती है और चाय में भी बहुत स्वाद आता है इसका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।